हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र क्या होता है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र जिसको हम बोलते हैं, तो मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो देखिए, जो मासिक चक्र होता है बेसिकली, सबसे पहले यदि हम बात करें ये बेसिकली होता किस में है, तो देखिए ये कुछ प्राइमेट्स, देखिए जो स्तनपोषी होता है या जो मेमेलिया वर्ग है, इसमें कई सारे गण होते हैं, जिसमें से एक गण होता है प्राइमेट्स, सबसे लास्ट वाला गण होता है। तो प्राइमेट्स जो होता है, प्राइमेट्स के अंतर्गत देखिए कई सारे, जैसे बंदर है जो मंकी है, इसके अलावा जो कपी होते हैं तथा साथ ही साथ मानव, इनकी जो मादाएं होती है, ठीक है, इनकी मादाओं में या फीमेल्स में क्या होता है कि यह क्रिया जो है देखने को मिलती है, या यह क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसमें होती है, तो बंदर, कपी और मानव, इनकी जो मादाएं होती है उनमें बेसिकली यह क्रिया जो है देखने को मिलती है। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की या मासिक चक्र की, तो देखिए सबसे पहले इसमें रजोदर्शन या यौवनारंभ जो होता है ये क्या कहलाता है। देखिए, जैसे भी यदि हम फीमेल में बात करें, ठीक है, यदि ओवरऑल यदि हम फीमेल में बात करें मानव में, तो फीमेल में क्या होता है कि जैसे वो 13 वर्ष की हो जाती है, या 11 से 13वें वर्ष की स्टेज में क्या होता है, जैसे ही 11 से 13 वर्ष की अवस्था में आती है, उसमें क्या होने लगता है कि अंडों के बनने की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और यही क्रिया क्या होती है, रजोदर्शन कहलाती है या यौवनारंभ कहलाती है। तो जैसे ही देखिए, तेरहवें वर्ष में ये जो पूरे मासिक चक्र की जो क्रिया है ये क्या होने लगती है, रजोधर्म जो है स्टार्ट होने लगता है। तो तेरहवें वर्ष में क्या होने लगता है, इनमें जो है यौवनारंभ में क्या होने लगता है कि रज चक्र स्टार्ट होने लगता है, रज चक्र जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे ही 11 से 13 वर्ष की स्टेज में कोई भी फीमेल आती है, उसमें क्या होता है कि जो रज चक्र का होना है ये शुरू हो जाता है, अर्थात अंडाशयों में अंडों के बनने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे समझिए, ये जो रजोनिवृत्ति है, ठीक है, रजोनिवृत्ति, देखिए रजोदर्शन को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क भी बोलते हैं, ठीक है, रजोदर्शन क्या कहलाता है, मेनार्क कहलाता है। इसके अलावा साथ ही साथ यौवनारंभ या इसको हम पुवर्टी भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है यौवनारंभ या रजोदर्शन, देखिए 13वें वर्ष में जैसे ही पहुंचती है कोई भी फीमेल, उसमें क्या होता है कि उसके अंडाशयों में अंडाणुओं का बनने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, रजोदर्शन कहलाती है या यौवनारंभ कहलाती है। अब देखिए यदि हम बात करें रजोनिवृत्ति की, तो रजोनिवृत्ति का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ही फीमेल जो है 45 से 50 वर्ष की अवस्था में पहुँचती है, तो इसमें जो रजचक्र का की प्रक्रिया है ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, यानी अंडाशयों में जो अंडाणुओं के बनने की क्रिया होती है, ये अंडोत्सर की क्रिया जो हम कह सकते हैं, ये क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है। तो देखिए 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या होने लगता है, जो अंडोत्सर की क्रिया है, अंडोत्सर्ग की क्रिया समाप्त होने लगती है। तो ये देखिए यहां पे क्या है कि जो रजोनिवृत्ति होती है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई फीमेल 45 से 50 वर्ष की अवस्था में होती है, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 45 वर्ष में ही होगा, तो 45 से 50 वर्ष की अवस्था में जैसे ही कोई फीमेल इंटर करती है, उसमें जो अंडोत्सर्ग है यानी अंडाणुओं के जो बनने की क्रिया है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, रजोनिवृत्ति कहलाती है, यानी रजोधर्म का धीरे धीरे समाप्त होना क्या कहलाता है, रजोनिवृत्ति कहलाता है। तो देखिये यहाँ पे ये क्या हो गया, रजोनिवृत्ति। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखनी जरूरी है कि जो रजोधर्म चक्र होता है या जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसकी जो अवधि होती है औसतन कितने दिन की होती है, तो हमारी पूरे का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कितने दिनों में संपन्न होता है, ये 28 दिनों में संपन्न होता है। कितने दिनों में संपन्न होता है, 28 दिनों में संपन्न होती है। तो ये पूरी की पूरी जो रजोधर्म की प्रक्रिया होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल की या मासिक चक्र की, यह 28 दिनों में क्या होती है, संपन्न होती है।
अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि इसका नियंत्रण यानी कंट्रोल, तो इसका कंट्रोल कौन करेगा, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो देखिए इसको कंट्रोल करती है अग्रपीयूष ग्रंथि। और बेसिकली अग्रपीयूष ग्रंथि के अंतर्गत आने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को कंट्रोल या नियंत्रित करते हैं। तथा साथ ही साथ देखिए अंडाशय द्वारा स्त्रवित हार्मोन्स, यानी ओवरी के द्वारा जो हार्मोन्स स्त्रवित होते हैं, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन्स, ये हार्मोन्स भी क्या करते हैं, कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले जो मासिक चक्र होता है ये किस में होता है, प्राइमेट्स में होता है। और प्राइमेट्स के अंतर्गत जैसे बंदर का मानव, इनकी मादाओं में बेसिकली ये क्रिया होती है। और यदि हम बात करें एज ए ह्यूमन मानव में, तो मानव की जो मादाएं होती है उनमें जो रजोदर्शन होता है या यौवनारंभ होता है, जैसे ही वह 11 से 13 वर्ष की स्टेज में इंटर करती है उसमें उसके अंडाशयों में अंडाणुओं के बनने की क्रिया चालू हो जाती है, यानी यौवनारंभ जो है स्टार्ट हो जाती है। इसको हम मेनार्के या पुबर्टी भी कहते हैं। इसके बाद देखिए रजोनिवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई फीमेल 45 से 50 वर्ष की स्टेज में पहुंचती है उसमें अंडोत्सर की क्रिया जो है समाप्त हो जाती है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रजोनिवृत्ति कहलाती है। यानी रजोधर्म के समाप्त होने जाने हो जाने की प्रक्रिया जो है वो रजोनिवृत्ति कहलाती है। अब देखिए जो रजोधर्म की जीवन अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है, यानी 28 दिनों की होती है। अब देखिए इसमें कंट्रोल या नियंत्रण कौन करता है इस क्रिया को, तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्रिया है इसको कौन नियंत्रित करता है, तो अग्रपीयूष ग्रंथि और साथ ही साथ अंडाशयों के द्वारा जो हार्मोन्स स्रवित होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो पूरी की पूरी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म चक्र की जो प्रक्रिया होती है यह तीन प्रवस्थाओं में संपन्न होती है। कितने प्रवस्थाओं में संपन्न होती है, तीन प्रवस्थाओं में संपन्न होती है। देखिए पहली प्रवस्था कौन सी होती है, रजो स्त्राव प्रवस्था इसको कहते हैं। दूसरी प्रवस्था है पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था, और तीसरी प्रवस्था कौन सी होती है, पश्च अंडोत्सर्गी प्रवस्था। तो इन तीनों प्रवस्थाओं के अंतर्गत पूरी की पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रजो स्त्राव प्रवस्था, तो देखिए ये जो रजोस्त्राव प्रवस्था होती है ये क्या होती है, तो सबसे पहले जो रजोस्त्राव प्रवस्था इसमें देखिए क्या होता है कि प्रत्येक रजोधर्म चक्र का प्रारंभ रक्त स्त्राव से होता है। यानी जैसे ही यह अवस्था स्टार्ट होगी तो रजोधर्म की जो अवस्था स्टार्ट होती है वो किसके साथ स्टार्ट होती है, रक्त स्त्राव के साथ। यानी यह अवस्था जब स्टार्ट होगी तो इसमें क्या होगा, रक्त का स्त्राव होगा, यानी रक्त इसमें से बाहर निकलेगा। तो देखिए यह प्रक्रिया सबसे पहले तो क्या आपको समझना है कि रजोधर्म चक्र का जो प्रारंभ होता है वो रक्त स्त्राव से होता है, जो कि लगभग 5 से 6 दिन चलता है। यानी ये जो रजोस्त्राव चक्र की जो प्रवस्था होती है ये 5 से 6 दिन तक चलती है। तथा निषेचन ना हो पाने की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम विलुप्त हो जाता है। देखिए अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम नामक एक ग्रंथि पाई जाती है, तो कार्पस ल्यूटियम जो होती है यदि निषेचन नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में कार्पस ल्यूटियम जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो विलुप्त होने लगती है जिससे क्या होता है कि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्तर कम होने लगता है। देखिए जैसे ही कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगती है वैसे ही एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये क्या होने लगते हैं, इनका स्तर जो है कम होने लगता है और रक्त का स्त्राव होता है और अंडाशय के माध्यम से। और देखिए जो अंडाशयों में क्या होगा, अंडोत्सर की क्रिया चल रही है और इसमें क्या होगा कि जैसे ही एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन्स का स्तर जो है कम होगा वैसे इनमें क्या होगा कि रक्त का स्त्राव जो है होना स्टार्ट हो जाएगा और वैसे ही रक्त का स्त्राव होता है। यानी जो योनि या वजाइना के माध्यम से जो रक्त का स्त्राव है वो होने लगेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो पहली प्रवस्था होती है ये प्रवस्था 5 से 6 दिनों तक चलती है और इस प्रवस्था को हम क्या बोलते हैं, रजोस्त्राव प्रवस्था बोलते हैं। और रजोस्त्राव की जो प्रवस्था होती है इसमें हमको समझना है कि इसमें रजोधर्म का प्रारंभ होता है और किसके साथ प्रारंभ होता है, तो रक्त स्त्राव के साथ प्रारंभ होता है। अब इसके बाद देखिए जो दूसरी अवस्था होती है वो है पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था। देखिए दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था। अब इस पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था में देखिए क्या होता है, यह प्रवस्था 6 से 13 दिन तक चलती है।
यह प्रवस्था कितने दिन तक रहती है? 6 से 13 दिन तक रहती है। देखिए 5 से 6 दिन तक तो कौन सी अवस्था रहती है? रजोस्त्राव प्रवस्था रहती है। लेकिन इसके बाद जब दूसरी अवस्था आती है जिसको हम पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था बोलते हैं, यह प्रवस्था जो है 6 से 13 दिन तक चलती है। और देखिए FSH हार्मोन्स के प्रभाव से अंडाशय में उपस्थित किसी एक पुटिका में वृद्धि होने लगती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने आपको बताया कि जो FSH हार्मोन्स होता है यह कहाँ से रिलीज होता है? यह पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से होता है। FSH हार्मोन्स का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो देखिए जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है या FSH हार्मोन्स होता है, ये जैसे ही स्रावित होने लगता है इसमें क्या होता है कि अंडाशय में उपस्थित किसी एक पुटिका में, देखिए अंडाशय में जब हमने अंडाशय का डायग्राम आपको समझाया था उसमें हमने आपको बताया था कि अंडाशय के अंदर कई सारी पुटिकाएं बनी होती है, अंडाशय के अंदर कई सारी पुटिकाएं बनी होती है जिनको हम फॉलिकल बोलते हैं। तो अंडाशय के अंदर देखिए कई सारी जो पुटिकाएं बनी होती थी उसमें से कोई एक कोशिका या एक पुटिका जो है यहाँ पे क्या करने लगेगी? वृद्धि करने लगती है। तो अंडाशय में उपस्थित किसी एक पुटिका में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। जैसे ही FSH हार्मोन्स के प्रभाव होता है वैसे ही अंडाशय में उपस्थित किसी एक पुटिका में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। और जैसे ही वृद्धि होने लगती है एस्ट्रोजन तथा इनहिबिन जो हार्मोन्स है के स्तर में कमी होने लगती है। तो देखिए जैसे ही FSH के प्रभाव से अंडाशय में उपस्थित किसी एक पुटिका में वृद्धि होगी वैसे ही जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है तथा इनहिबिन हार्मोन्स जो होता है इसके स्तर में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। और जब इनके स्तर में कमी होने लगती है तो देखिए क्या होता है कि वृद्धि होने वाली पुटिका जो होती है वो ग्राफिकन पुटिका में बदल जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफिकन पुटिका बनी है यहाँ पे देखिए क्या है कि जो पुटिका में वृद्धि हुई है तो जिस पुटिका में वृद्धि हुई है वो आगे चल के किस में बदल जाती है? ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। तो अब जब ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है और अंडाशय की सतह पर आ जाती है तो जो वृद्धि होने वाली कोशिका सबसे पहले तो वो किस में बदल जाएगी? ग्राफियन पुटिका में। और ग्राफियन पुटिका में बदलने के बाद क्या होगा कि वो कहाँ चली जाएगी? अंडाशय की सतह पर चली जाएगी जिससे कि वहां पे क्या आ जाते हैं? उभार आ जाते हैं। और देखिए अब इसके बाद क्या होता है जिससे अंडाणु जो है मुक्त हो जाता है और अंडाणु जो है धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? मुक्त होने लगते हैं। तो जो अंडाणु मुक्त होता है तो अंडाणुओं के मुक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। तो अंडोत्सर्ग बेसिकली जो होता है वह 14वें दिन होता है। किस दिन होता है? 14वें दिन होता है। तो यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडाशय से अंडाणुओं का मुक्त होना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। और इसके अलावा जो ये हमारा क्वेश्चन है कि रजोधर्म की औसत अवधि कितने दिन की होती है, तो रजोधर्म की जो औसत अवधि होती है वो 28 दिनों की होती है। लेकिन इसमें यदि पूछे कि अंडोत्सर्ग किस दिन होता है तो अंडोत्सर्ग जो है वो 14वें दिन होता है। चलिए अब यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। चलिए अब इसके बाद हमारा एक तीसरा पॉइंट बचा इसमें। देखिए पहली दो प्रवस्थाएं तो हो चुकी है, पहली प्रवस्था थी रजोस्त्राव प्रवस्था और दूसरी कौन सी है? पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था। अब इसके बाद देखिए तीसरी जो प्रवस्था आती है उस प्रवस्था को हम बोलते हैं पश्च अंडोत्सर्गी प्रवस्था। देखिए तीसरी जो प्रवस्था होती है अब देखिए जो तीसरी प्रवस्था होती है इसको हम बोलते हैं पश्च अंडोत्सर्गी प्रवस्था, पश्च अंडोत्सर्गी प्रवस्था। तो देखिए इस प्रवस्था में क्या होता है कि यह सबसे लास्ट प्रवस्था होती है। कौन सी प्रवस्था होती है? यह सबसे अंतिम प्रवस्था होती है। और यह जो पश्च अंडोत्सर्गी प्रवस्था होती है यह 14 से लेकर के 28 दिन तक चलती है। यह प्रक्रिया जो है यह 14वें से देखिए जो पश्च अंडोत्सर्गी प्रवस्था होती है यह 14 से 28 दिन तक की रहती है। तो देखिए यह प्रवस्था जो है कितने दिन की होती है? 14 से 28 दिन की होती है।
और इस प्रवस्था में क्या होता है, देखिए यहां पे आप एक चीज और याद रखिए कि जो पूर्व अंडोत्सर्गी प्रवस्था होती है इसमें जब अंडोत्सर्ग जो है हो जाता है, यानी 14वें दिन क्या हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, और जब अंडोत्सर्ग हो जाता है उस स्थिति में जो स्त्री का टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसी समय जो है उनमें सेक्स करने की या उसमें संभोग करने की जो इच्छा होती है स्त्रियों में वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होता है उसी समय क्या होता है कि इनमें इनमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है उसका भी स्त्रवण होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस प्रक्रिया में जो अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि स्त्रियों का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिस कारण से इस अवस्था में क्या होता है कि स्त्रियों में संभोग करने की इच्छा जो है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जब हम बात करते हैं पश्च अंडोत्सर्गी प्रवस्था की, तो यह प्रक्रिया जो है 14वें से 28वें दिन तक चलती है, और इसमें क्या होता है कि देखिए अंडाशय में मुक्त हुआ जो अंडाणु होता है, ठीक है, अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है, और अंडाशय से मुक्त हुआ जो अंडाणु है वो कुछ ही घंटों तक जीवित रहता है। देखिए अंडाशय से मुक्त हुआ अंडाणु, अंडाशय से मुक्त हुआ अंडाणु कुछ ही घंटों तक जीवित रहता है, कुछ ही घंटों तक जीवित रहता है। तो देखिए अंडाशय से जो अंडाणु मुक्त हुआ है वह कुछ ही घंटों तक क्या रहता है, जीवित रहता है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है कि अब जब अंडाशय से मुक्त हुआ अंडाणु जो है वह कुछ ही घंटों तक क्या रहता है, जीवित रहता है, यदि इस अवधि में फेलोपियन नलिका में निषेचन हो जाता है। देखिए यदि इस अवस्था में ही जब तक मतलब अंडाणु जो है जीवित है, देखिए अंडाणु जो है कुछ ही घंटों तक जीवित रहता है, तो यदि इसी अवस्था में मतलब जब तक अंडाणु जीवित है यदि इनमें क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, तो क्या हो जाता है कि जो हमारा पूरा का पूरा अंडाणु है वो गर्भाशय में जाकर के क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है। तो यानी यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अंडाशय से मुक्त हुआ जो अंडाणु होता है वह कुछ ही घंटों तक जीवित रहता है, और यदि इसी समय फैलोपियन नलिका में निषेचन हो जाता है तो देखिए अंडाणु जो है कुछ ही घंटों तक जीवित रहते हैं, तो अंडाणुओं के जीवित रहते ही मतलब इसी टाइम पे यदि क्या हो जाएगा, यदि फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में यदि निषेचन हो जाता है तो अंडाणु का निषेचन यदि जब हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि अंडोत्सर्ग के सातवें दिन देखिए जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय में क्या हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। सातवें दिन अंडाणु गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया। देखिए 14 से 28वें दिन की यह जो प्रक्रिया होती है इसमें अंडाशय में क्या होता है कि जो मुक्त हुआ अंडाणु होता है वो कुछ ही घंटों तक जीवित रहता है, और इसी जीवित अवस्था में यानी अंडाणु जब तक नष्ट ना हो पाए इसी अवस्था में क्या हो जाता है, यदि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाता है तो अंडोत्सर्ग के सातवें दिन क्या हो जाएगा, जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय में जाकर के क्या हो जाएगा, प्रत्यारोपित हो जाएगा। और देखिए इस समय क्या होता है कि गर्भाशय प्रत्यारोपित तो हो जाएगा लेकिन निषेचन हो जाने की दशा में कार्पस ल्यूटियम जो होता है, देखिए निषेचन हो जाने की प्रक्रिया में जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसमें क्या होता है, वह सक्रिय रहता है,
और जब तक निषेचन होता है कार्पस ल्यूटियम जो है सक्रिय रहता है, और कार्पस ल्यूटियम सक्रिय रहता है जिस कारण से यह गर्भाशय में क्या करता है कि यह गर्भाशय को गर्भाधारण करने के लिए क्या करता है, आरोपित कर देता है। तो यह जो है देखिए यहाँ पे जो हमारा अंडाणु है, अंडाणु को क्या करेगा, यह गर्भाशय में गर्भाधान के लिए जो है ये आरोपित कर देता है, यानी अनुकूल जो है वातावरण जो है उपलब्ध कराता है। तो देखिए यहाँ पे इतनी चीजें कंफर्म याद रखनी है कि जो अंडाशय होता है तो इसमें मुक्त हुआ अंडाणु जो है कुछ ही घंटों तक जीवित रहते हैं, और यदि इसी समय फैलोपियन नलिका ट्यूब में निषेचन हो जाता है तो अंडोत्सर्ग के सातवें दिन अंडाणु जो है वो गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। और देखिए इसमें अब क्या होगा, अब निषेचन के वक्त क्या होगा कि इसमें निषेचन हो जाने की घटना में या निषेचन हो जाने पर देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, निषेचन हो जाने पर जो कार्पस ल्यूटियम निषेचन हो जाने पर कार्पस ल्यूटियम जो है सक्रिय रहता है जो जो गर्भाशय को जो गर्भाशय को गर्भाधारण के लिए गर्भाधारण के लिए अनुकूल बनाता है। तो देखिए तीसरी अवस्था में क्या होता है, जो पश्च अंडोत्सर्गी प्रवस्था होती है इसमें 28वें दिन तक की यह प्रक्रिया चलती है। अंडाशय में जब मुक्त हुआ अंडाणु जो होता है ये कुछ ही घंटों तक जीवित रहता है, यदि इस समय फैलोपियन नलिका में निषेचन हो जाता है तो अंडोत्सर्ग के सातवें दिन जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय में जाकर के क्या हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। और निषेचन हो जाने पर यानी निषेचन हो जाएगा जब, तब ये कार्पस ल्यूटियम क्या रहेंगे, ये सक्रिय रहते हैं, और कार्पस ल्यूटियम सक्रिय होने का मतलब है कि ये गर्भाशय को गर्भाधारण के लिए जो है अनुकूल बनाता है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होने लगता है कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कार्पस ल्यूटियम जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और कार्पस ल्यूटियम जैसे जैसे समाप्त होने लगती है वैसे वैसे जो पूरी की पूरी जो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है उसमें क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, और इस प्रकार से पुनः जो है रजोचक्र की प्रक्रिया जो दूसरी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको समझना क्या है कि पहली जो प्रवस्था इसमें क्या होता है कि प्रत्येक रजोधर्म चक्र का प्रारंभ जो है रक्त स्त्राव से होता है, यानी इस प्रवस्था में रक्त का स्त्राव होता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम की मात्रा में क्या होने लगती है, जैसे जैसे ही क्या होने लगती है, कमी होने लगती है यहाँ पे, उसे एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो है कम हो जाता है। और दूसरी अवस्था में जब आता है तो इसमें क्या होता है, यह प्रवस्था 6 से 7, 6 से लेकर के 13वें दिन तक चलती है, और एफएसएच का प्रभाव जैसे ही आना स्टार्ट हो जाता है वैसे ही अंडाशय में उपस्थित किसी एक पुटिका में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, और जो एक पुटिका में वृद्धि हुई है यह कहाँ जा करके यह ग्राफियन पुटिका बना लेती है और जाकर के अंडाशय की दीवार पे स्थित हो जाती है, और फिर क्या करती है कि अंडाणुओं का निर्माण करती है जिससे कि अंडोत्सर्ग होता है, और अंडोत्सर्ग जो है 14वें दिन होता है। इसके बाद देखिए जब तीसरी प्रवस्था आती है इसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया जो 14 से लेकर के 28वें दिन तक चलती है, और अंडाशय में जो मुक्त हुआ अंडाणु होता है, अंडाशय के द्वारा जो अंडाणु मुक्त हुआ है अंडोत्सर्ग में वो क्या होता है कि कुछ ही घंटों तक जीवित रहता है, और इसी अवस्था में यदि निषेचन हो जाता है फैलोपियन नलिका में तो जो गर्भाशय है यानी हम कह सकते हैं कि जो अंडाणु होते हैं वो गर्भाशय में जाकर के प्रत्यारोपित हो जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है कि निषेचन हो जाने पर कार्पस ल्यूटियम सक्रिय रहता है, और निषेचन जब हो जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या रहेगी, सक्रिय रहेगी, जिस कारण से गर्भाशय को गर्भाधारण के लिए अनुकूल वातावरण जो है वो प्राप्त होता है, और आगे चल के कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, जिस कारण से पुनः से रजोचक्र की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।